नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज़ में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम पूरी कहानी समझेंगे लॉर्ड्स लैंसडाउन की। लैंसडाउन, इनका टेन्योर था साल 1880 से 1894 तक। चलिए इनके टेन्योर के दौरान क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं वो देखते हैं। इंडियन फैक्ट्री एक्ट दैट वॉज पास्ड इन द ईयर 1891, जिसमें कोशिश ये की गई थी कि वर्कर्स की कंडीशंस को थोड़ा और बेटर किया जा सके, जैसे कि बच्चों की मिनिमम एज फॉर वर्किंग 9 ईयर्स कर दी गई, जो पहले 7 साल थी। बच्चों का मैक्सिमम वर्क 7 आवर्स तक कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें रिफॉर्म्स में हुई थी। कमेंट में बताइएगा कि पहला फैक्ट्री एक्ट किस ईयर में और किस वॉइस रॉय के टेन्योर में पास हुआ था। कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इंटू इंपीरियल, प्रोविजनल एंड सबऑर्डिनेट। अब 19th सेंचुरी अपने एंड पे था और इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट धीरे धीरे राइज कर रहा था, जिस वजह से ये डिमांड बहुत तेजी से उठ रही थी कि इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम एक तो भारत में कंडक्ट हो और दूसरा ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को रिक्रूट करो इन इंडियन सिविल सर्विसेज। जिसके बाद एक कमीशन बनाई गई थी जो थी एचिसन कमीशन, जिसने ये कैटेगराइजेशन को रिकमेंड किया। अब देखो, जो इंपीरियल सर्विसेज एग्जाम था उसका एग्जाम तो लंदन में ही होना था, हालांकि इंडियंस अलाउड थे, पर वही है कि लंदन जाके एग्जाम क्रैक करना होगा, ये कंडीशन थी। पर जो प्रोविजनल और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज था वो मोस्टली इंडियंस को रिक्रूट करने के लिए ही बनाया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल धीरे धीरे राइज कर रहा था, वैसे ही ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड कर रहे थे। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस नहीं मिलती थी इंडियंस को, पर ब्रिटिशर्स की सोच ये थी कि अगर इंडियंस को हम कुछ पोजीशंस डिपार्टमेंट्स देते रहेंगे तो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल बहुत तेजी से नहीं आगे बढ़ेगा। इस वजह से 1857 की क्रांति के बाद से जितने भी एक्ट पास हुए हैं उसमें हर बार इंडियंस को कोई ना कोई पोजीशंस दी गई है। अब अगर इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें तो एक तो ये एक्ट मार्क करता है बिगनिंग ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल काउंसिल के, उनको नॉमिनेट किया जा सकता था यूनिवर्सिटीज में, म्यूनसिपैलिटीज में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में। तो ये एक्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत करता है भारत में। हालांकि बहुत कम इंडियंस ही इन सब पोजीशंस पे थे, एक एवरेज इंडियन का कोई भी खास फायदा नहीं था। ड्यूरेंट कमीशन लैंसडाउन के टेन्योर में ही सेटअप किया गया था इन द ईयर 1891। लैंसडाउन की बात अगर करें तो उनका ज्यादातर टाइम और एनर्जी बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने में गया था। ड्यूरेंट अग्रीमेंट साइन करने का ऑब्जेक्टिव बस यही था कि नॉर्थ वेस्ट को सिक्योर किया जा सके और अफगानिस्तान में ब्रिटिश कंट्रोल हो सके। कमेंट में बताइएगा कि प्रेजेंट डे में ड्यूरेंट लाइन किन दो देशों के बीच की बॉर्डर लाइन है। तो ये थी पूरी कहानी लॉर्ड लैंसडाउन की। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।